नमस्कार दोस्तों, खाने के सभी शौकीन लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीपीडी एंटरटेनमेंट में मैं प्रतिभा तिवारी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों जब आपका कुछ भी खाने को मन ना करे, जैसा मैं कल की बात ही बताऊँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कौन सी दाल से इस चावल को खाऊँ या फिर मैं कौन सी सब्जी खाऊँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, तब मेरे दिमाग में सडनली ये आइडिया आया कि क्यों ना चटपटे से चावल फ्राई किए जाएँ और फिर उसे खाया जाए। तो आज का जो चावल है ना, मैंने अपनी तरफ से बहुत टेस्टी बनाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने भर पेट खाया है। तो आई होप दोस्तों, जब आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि आपको नहीं समझ में आता होगा कि दाल चावल कैसे खाएं, कौन सब्जी से खाएं या क्या बनाएं क्या नहीं, जब कुछ भी ना समझ में आए दोस्तों, सिंपली चावल बनाइए और इस तरह से उसे करिए फ्राई। परिवार का हर कोई बार बार मांग कर खाएगा और यकीन मानिए आपको दाल या फिर सब्जी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय लिए फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने चावल को फ्राई किया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मटर का सीज़न नहीं है तो हमने मटर नहीं ले पाए, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह पर मूंगफली लिया है। इसको हमने हल्का सा घी डाल करके अच्छे से इसको हमने पका लिया है फ्राई करके। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चावल है, मैंने ताजे चावल बनाए हैं, आप चाहें तो पुराने चावल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा मटेरियल जिससे हम इस चावल को करने वाले हैं फ्राई। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने रखा है चावल जिसे हम फ्राई करने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल में, तो आप भी बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना मत भूलिएगा। और अगर कोई और दूसरा आपका फेवरेट ऑयल तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है कि आप मस्टर्ड ऑयल में करिए, उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग, जितना हमें खाना पसंद था मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मूंगफली को मैंने पहले से ही ऑयल में, मतलब घी में, इसको मैंने रोस्ट कर लिया, अच्छे से पका लिया है। प्याज हमें लंबी लंबी पतली पतली इसी इस तरह से कट करनी है, मैंने 3 प्याज कट की है इतने चावल के लिए। 4 से 5 मिर्चियों को महीन महीन बारीक काट लिया हमने। धनिया हमें जितना मर्जी आप उतना यूज़ करिए दोस्तों, बहुत अच्छी होती है। 2 नींबू मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं चटपटा वाला लेमन राइस। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे यहाँ पर लोहे की कढ़ाई जिसमें फ्राई करेंगे हम राइस, तो और भी ज़्यादा प्यारा फ्राई होगा ये और बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप और सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं तो। साथ ही साथ मसाले वाले चम्मच से मैंने डाला 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकना शुरू हो गया तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज। 3 प्याज मैंने काटी थी दोस्तों मीडियम साइज़ के, और इसे हमने लंबा लंबा पतला पतला सा कट कर लिया। अब इसे अच्छे तरीके से तेल के साथ हम करेंगे मिक्स। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सॉफ्ट होने तक हमें प्याज को बस पकाना होता है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। यहाँ पर मैंने डाल दिया साथ ही साथ 5 से 6 बारीक कटी हुई मिर्च, और उसे भी कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स, हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, मिर्ची भी मिक्स हो गई है अच्छे से। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले वाले चम्मच से 1 चम्मच मैंने डाला है हल्दी। अगर आपका राइस कम है, चावल आपका जो क्वांटिटी है वो कम है, तो आप चाहे तो आधा चम्मच हल्दी डालिए, या नहीं माने तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं आएगा और आपके चावल जो है वो वाइट फ्राई होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों, कि यहाँ मैंने चावल में जो है नमक पहले ही ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से वो हमारे हाथों से मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमें क्या जल्दी भी खाना होता है, चावल जल्दी फ्राई करने होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लिया 1/2 चम्मच चाट मसाला, ताकि ये और भी चटपटा हो जाए, और इसे सिंपली मैंने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमारे टाइम की बचत तो होती है, जहाँ एक तरफ हमारा प्याज फ्राई हो रहा है वहाँ साथ ही साथ हमने ये मिक्स कर लिया, और ये दूसरी बात होती है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब देखिए, प्याज फ्राई हो गई थी, मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस चावल को। अब क्या है, इसमें नमक क्योंकि पहले से मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और एक बार इसे हीट मिल जाएगी तो और भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे दोस्तों, जैसे हमने जो मूंगफली को पकाया था ना, उसे यहाँ पर सिंपली हमें डाल देना है। अगर मटर का सीज़न है तो आप मटर भी ऐड कर दीजिए, उसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा प्यारा होता है। और अब अगर मटर आपको नहीं मिल रही है तो अभी मूंगफली से हम काम चलाते हैं। इसके बाद हमने बारीक कटी हुई धनिया हमने डाल दी है बहुत सारी। दोस्तों, धनिया तो मेरी स्पेशली फेवरेट है, सभी की होगी, जो लोग भी कुकिंग करना पसंद करते हैं ना, जो भी खाने के शौकीन लोग हैं, उन सभी की धनिया फेवरेट होगी, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी हम तीखी या नमकीन चीज़ बनाते तो उसमें धनिया जो है वो जान डाल देती है। तो देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच, सिर्फ कलर के लिए दोस्तों, इससे तीखा नहीं होगा। और ये है मेरा फेवरेट मैगी मसाला, जिसे मैंने जो छोटा मैगी मसाला पैकेट आता है ना, उसे पूरा 1 पैकेट मैगी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चटपटे चावल आज खाने का मन है। इतना कुछ हमने ऐड कर दिया दोस्तों, अब इसको हमें सिंपली अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अब देखिए, ऑयल कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना चाहते हैं तो आप ऑयल और मिक्स कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच ही यूज़ किया था। अब फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब बारी आती है लेमन की। जी हाँ दोस्तों, नींबू का इस तरह से आप चाहें तो बीज पहले ही निकाल लीजिए,
और निकाल करके इसको सिंपली इसके रस को हमें पूरा चावल पकने के बाद डालना है दोस्तों। इसका ध्यान दीजिएगा, जब पूरा चावल पक जाता है तो लास्ट में आपको नींबू का रस इस तरह से निकाल लेना है। अब जो है हमारे चावल में जान आ जाएगी, अच्छे खट्टट नींबू का टेस्ट आएगा। इस तरह से या तो आप बीज निकाल करके डाल लीजिए, या फिर अगर आपका नींबू बड़े साइज़ का है या उसमें बीज नहीं निकल रहा, आपको लगता है कि ऐसा ना हो खाने मिक्स हो जाए, तो इसका एक तरीका मैं और बताती हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे बीज है, इसे क्या करना है, इस तरह सिंपली हाथों पे लेकर के हमें इस रस को निकालना है। और हाथ लगा के आप रखेंगे ना, हल्का सा ढील देंगे तो क्या होगा, देखिए रस नीचे जा रहा है, देख पा रहे हैं आप वीडियो में, और इसका जो बीज होगा वो आपके हाथों पे ही रह जाएगा। इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे नींबू निकालिए दोस्तों, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 3 नींबू का रस डालना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो नींबू का रस होगा ना, ये देखिए हमने अच्छे से इसे निचोड़ दिया है इसमें सारे नींबू का रस, और बहुत प्यारा टेस्ट आएगा दोस्तों। ये बन गए हमारे लेमन राइस, और बिल्कुल हमारे चावल खाने के लिए तैयार है दोस्तों। अब बिल्कुल इसमें लेट नहीं करना है, फटाफट से इसे हमें ठंडा होने पे सर्व करना है और खाना स्टार्ट कर देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो आज का वीडियो बहुत शॉर्टकट था दोस्तों, उन फ्रेंड्स के लिए था जिन्हें कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, या फिर जो मेरे जैसे हैं जिन्हें अचानक से खाने के टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या खाएं, कुछ मन नहीं कर रहा है। चावल देखने के बाद, रोटी देखने के बाद, या सब्जी दाल देखने के बाद आपका मन नहीं करता हो, तो चावल किस तरह से बनाइए, चटपटा ताजे चावल हों या फिर बासी हों, आप दोनों से ऐसे कर सकते हो, और यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना प्यारा आएगा ना कि फिर घर का हर मेंबर मांग मांग कर खाएगा और आपके चावल चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, फ्राई चावल पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके चैनल पे जरूर बताइएगा कि आप लोग चावल खाना कैसे पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ।